नमस्कार मैं जोना कंकन स्वागत इ न्यूज एनिलो आरु ए मुहूर्त लैस एक गुरुत्वपूर्ण खबर एखन विवाह यात्री वाहन ध्वंसस्तूप परिणत हुई छजन शिशु सह 14 जनर मृत्युर घटना पोहर आई है। यह मुहूर्त आम विशेष खबर इ न्यूज एनिर दर्शक और यह मुहूर्त आम आपको जानवे विचार एखन विवाह यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो और छजन शिशु सह 14 जन लोकर मृत्यु पर्यंत यह शोकावह घटना संघटित उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ यह मुहूर्त इ न्यूज एनिर दर्शक आम विशेष खबर विवाह यात्री एन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हर खबर आ गाड़ी पथर दाँतित रही थका ट्रकत खुंदा मारी नियंत्रण हेरवाय पथर दाँतित रही थका ट्रकत खुंदा मारी विवाह यात्री वाहन यह मुहूर्त इ न्यूज एनिर दर्शक विशेष खबर तो प्रयागराज लक्ष्मण हाईवे संघटित दुर्घटना और बासखने नियंत्रण हेरवाले और प्रचंड खुंदा मारी तार फलते इमान कईजन मानुर मृत्यु हर खबर पोहर जो निशा संघटित घटना यह शोकावह घटना यार पीछते समग्र अंचल शोकर छा पड़े और बर्तमान समय इ न्यूज एनिर दर्शक आम छिशुर मृत्यु दुर्घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे शोक प्रकाश कर घटना और विवाह कार्यसूचीर उभति आलोक और यह उभति अहार अवस्थाते पथर काशत रही थका एन ट्रकत खुंदा मारी विवाह यात्री वाहन और यह विवाह जत्रार घटना विवाह यात्री हिसाब से उभति अहार पीछे एनेक दुर्घटना हर घटना ये प्रथम नहदरे बहु घटना संघटित अति दुर्भाग्यजनक घटना उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ शोकावह घटना संघटित आम यह मुहूर्त आपको देखाई दृश्य किदरे एखन ट्रकत नियंत्रण हेरवाय गाड़ी नियंत्रण हेरवाय खुंदा मारी और खुंदा मरार फलत यह ध्वंसस्तूपत परिणत अति शोकर खबर अति शोकर खबर यह मुहूर्त छजनक शिशुर मृत्युर खबर आजन शिशुसह 14 जनर मृत्यु खबर आर्तमान समय आम हाथ मंत्य आज मंत्य शुनबले विचार दिनांक 19 नवंबर को रात्रि लगभग 11:45 बजे थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। आज दिनांक 19 नवम्बर We'll be right back.